बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अगर किसी वजह से आपने बिग बॉस का आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बिग बॉस 12 के आज के एपिसोड की कुछ खास झलकियां। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अब शुरू हो चुका है फैमिली वीक, और इस फैमिली वीक में घर वालों से मिलने के लिए आए हैं उनके परिवार वाले। तो शुरुआत में आती है केवी की वाइफ डीजे अपनी दोनों बेटियों बेला और व्याना के साथ। सारे घर वालों को कर दिया जाता है इस वक्त पोज, और टीजे सबसे पहले आती अपने पति से मिलती हैं, उनके बच्चे भी उनसे मिलते हैं, एंड देन उन्हें किया जाता है प्ले, अपनी बीवी और बच्चे से गले मिलते हैं, और फिर इसके बाद वो सारे घर वालों से उन्हें मिलवाते हैं। इस दौरान टीजे जब बच्चों से कहती हैं कि इन्हें जानते हो, तो वो सारे घर वालों के नाम लेते हुए नजर आते हैं। अपने बच्चों को इस तरह से बोलता हुआ सुनकर केवी काफी खुश फील करते हैं, और फिर टीजे और केवी बैठकर बातचीत करते हैं। टीजे कहती हैं, केवी आप इंस्पिरेशन हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, टू व्हाटएवर यू आर जस्ट डूइंग। यहाँ पर वो ये भी बताती है कि जैसे ही डोर में हुए तो ये दोनों कर रही थी सलमान खान बिग बॉस। इसके बाद बिग बॉस कहते हैं, टीजे अब आपका घर छोड़ने का टाइम आ गया है। जैसे ही टीजे अपनी बच्चियों को लेकर जाती हैं, तो उनकी बेटी केवी से कहती है पापा लेट्स गो, फिर उनकी बेटियां उन्हें लव यू डैड कहकर चली जाती हैं। और टीजे जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है तो केवी पीछे से दौड़ते हुए आते हैं और उनसे मिलते हैं। बेला और व्याना केवी को छोड़ती ही नहीं है, केवी कहते हैं पा कान गो बेटा, और फिर टीजे केवी से उन बच्चियों को ले लेती है, चली जाती है। अपने पापा का नाम लेते हुए वो रोड से चली जाती है। इसके बाद घर वालों को एक बार फिर से पोज कर दिया जाता है, और यहाँ पर आते हैं श्रीशांत की वाइफ। श्रीशांत इस दौरान जिम में होते हैं। सबसे पहले भुवनेश्वरी अपने पति से मिलती है, उन्हें बताती है कि आप बहुत अच्छा कर रही हो, बस इमोशनल होकर गलत फैसले मत लिया करो, हम सब काफी प्राउड फील कर रहे हैं। इसके बाद वो सारे घर वालों से मिलती है। इस दौरान दीपिका से मिलते हुए कहती है चाहे कोई कुछ भी कहे कि आप देखो, लेकिन बाहर वही दिखता है जो आप हो। इसके बाद वो सुरभि से मिलती है, और सुरभि से कहती है आप बहुत ही थैंकलेस पर्सन है, आपने उनकी फैमिली के बारे में कहा, उनकी इंजरी के बारे में कहा, हरभजन पाजी वाली बात उन्होंने आपको कैप्टन बनाने के लिए कही थी, और आपने उन्हीं के साथ ऐसा किया, आप ये वुमन कार्ड क्यों खेलती है, आप एक वुमन होकर दूसरी वुमन कंसल्ट करनी है, ये बहुत गलत है। श्री इस दौरान भुवनेश्वरी से कहते हैं कि प्लीज नैन्सी मत बोलो, लेकिन वो कहती हैं श्री प्लीज डोंट इंटरफेयर, आई एम टॉकिंग टू हर, यू कैन फॉरगिव हर बट आई कांट, आप दूसरे के वजूद के बारे में बात करते हो, पहले आप अपना वजूद देखो, आपके जैसा वजूद तो शायद किसी का होना भी नहीं चाहिए। इसके बाद वो घर के अंदर जाती है और बाकी घर वालों से मिलती है, और जब उनकी नजर पड़ती है रोहित पर, तो वो उनसे कहती है यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी, और फिर इसके बाद श्रीशांत को लेकर दिया जाता है, और फिर वो अपनी वाइफ से मिलते हैं, और फिर एक आवाज आती है, और फिर दीपिका कहती है श्री भाई जाओ आपके लिए कुछ होगा, और जैसे ही श्री स्टोर रूम का दरवाजा खोलते हैं उन्हें अपने बच्चे मिलते हैं, और अपने बच्चों से मिलकर श्री काफी खुश होते हैं। उनकी बेटी कहती है पा आई रियली मिस्ड यू, और फिर इसके बाद श्री संत अपने मेडल्स जो उन्होंने जीते वो अपनी बीवी और बच्चों को पहनाते हैं, और फिर इसके बाद वो सारे घर वालों से मिलते हैं। दीपक ठाकुर से अपने बच्चों को मिलवाते हुए ये कहते हैं इन चाचों ने आपके पापा के लिए गाने बनाए हैं, और फिर वो सारे घर वालों से अपने बच्चों को मिलवाते हैं, और फिर उसके बाद भुवनेश्वरी अपने दोनों बच्चों को लेकर चली जाती है। इसके बाद सारे घर वाले फिर से अपने कामों में लग जाते हैं, एंड देन फिर से घर वालों को कर दिया जाता है पोज, और फिर आते हैं दीपक ठाकुर के पिता। दीपक ठाकुर के पिता जैसे ही आते हैं और श्रीशांत से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं दीपक का पिता। इसके बाद वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो दीपक से कहते हैं बेटा आके गले लग जा, लेकिन वो होते हैं पोज, और फिर दीपक से वो गले मिलते हैं, और जैसे ही दीपक को किया जाता है प्ले वो अपने पिता से मिलते हैं, उनके पैर छूते हैं, और फिर वो सारे घर वालों से उन्हें मिलवाते हैं। केवी को मिलवाते हुए ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, हमारे भाई जैसे हैं, सुरभि से मिलवाते हैं कि बहन जैसे है, सोनी से भी मिलवाते हैं कि बहुत अच्छी लड़की है, और फिर दीपक के पिता ये कहते हैं बेटा जैसे पहले थे वैसे ही रहना। बाहर जब वो आते हैं श्रीशांत से मिलवाते हैं कि जो मैंने उनके लिए गाना गाया था आपने सुना, तो कहते हैं हाँ मैंने भी सुना, तुम्हारी मम्मी ने भी देखा। दीपक के पिता कहते हैं तुम्हारे बड़े हैं, उनकी इज्जत करो, अपने संस्कार मत खो, आपका छोटा भाई है इसे छोटा समझ के माफ कर देना, इसका ख्याल रखना। और फिर वो रोमिल से भी मिलवाते हैं, और दीपक कहते हैं कि रोमिल मेरे पहले बड़े भाई हैं, और फिर दीपक के पिता कहते हैं धन्यवाद आपका कि आपने मेरे बेटे का इतना ख्याल रखा, अपने भाई का ख्याल रखो, इसे समझाओ, और हाँ पहली बार फ्लाइट में चढ़ा है, पहली बार 1000 रुपए हो चुके हैं, बेटा तुमने हमें गरीबी से यहाँ तक पहुँचाया है। और फिर दीपक कहते हैं पापा आप टेंशन मत लो, 3 हफ्तों की बात है, ट्रॉफी जीत कर आएंगे। इसके बाद दीपक के पिता चले जाते हैं, और एक बार फिर से घर वालों को कर दिया जाता है रिलीज। कन्फेशन रूम की तरफ से रोहित की मम्मी आती है, और रोहित अपनी मम्मी को देखकर रोने लगते हैं।
और फिर उन्हें किया जाता है प्ले। वो अपनी मम्मी से मिलते हैं और फिर सारे घर वालों को अपनी मम्मी से मिलवाते हैं। इस दौरान वो अपनी मम्मी को दीपिका से भी मिलवाते हैं ये कहते हुए, मम्मी आपकी फेवरेट सिमर। और फिर रोहित की मम्मी दीपिका से ये कहती है, जितना अपने बड़े भाई का ख्याल रखती हो उतना अपने छोटे भाई का भी ख्याल रखा करो, इसे थोड़ा समझाया करो। और दीपिका हामी में अपनी पलकें झुकाती है। और फिर वो जाते हैं श्रीशांत के पास और वो कहते हैं, श्री भाई मैंने अभी तक आपसे जितनी बार भी झगड़ा किया मेरी मम्मी के सामने मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आई एम सॉरी, मैंने जो भी कुछ गलत किया उन सब के लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। और फिर सारे घर वालों से मिलने के बाद रोहित की मम्मी भी चली जाती है। इसके बाद फिर से सब नॉर्मल हो जाता है और फिर से सभी घर वालों को कर दिया जाता है पोज। और उसके बाद आते हैं सुरभीर राणा के भाई। सुरभी राणा के भाई आते स्टोर रूम की तरफ से और इस वक्त सुरभी खाना खा रही होती है। और सुरभी के भाई अपनी बहन से मिलते हैं और सुरभी इस वक्त होती है पोज। सुरभी के भाई सारे घर वालों से मिलते हैं और इस दौरान वो शीशम के पास जाते हुए ये कहते हैं, उनका टोन थोड़ा अजीब होता है। वो फोन करते हुए उन्हें ये कहते हैं, प्रणाम, मैं आपका बहुत ही पुराना फैन हूं। अभी तक जो कुछ भी हुआ उन सबको हम बदल तो सकते नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे के लिए हम अच्छा कर सकते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, डू नॉट गिव अ बैड नेम टू माय लव। और इस दौरान शीशम समझ जाते हैं कि उनके भाई इस बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद सुरभी होती है प्ले और फिर अपने भाई के गले मिलती है और कहती है, भाई आई एम सॉरी, मैंने घर में जो कुछ भी गलत किया उस सब के लिए सॉरी, मैंने बहुत ज्यादा मिस किया आपको। और फिर सुरभी के भाई भी चले जाते हैं और इसके बाद सारे घर वाले प्ले होते हैं। और इस वक्त ये सारे घर वाले अपने घर वालों से मिलकर काफी खुश और दुखी भी नजर आते हैं, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। और फिर सारे घर वाले अपने घर वालों के बारे में बातें करते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी बिग बॉस सीजन 12 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बताए गए डे 84 की हाईलाइट्स। और अगर आप इसी तरह से बिग बॉस 12 के हर दिन और हर एपिसोड की हाइलाइट्स के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यहीं मिलेगी। और अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।